राज्य मंत्री कारागार एवं लोक सेवा प्रबंधन उत्तर प्रदेश अजय कुमार सिंह जैकी ने मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया है, जेलों में हमने नामी ग्रामीण अपराधियों का नेटवर्क तोड़ने का काम उनका स्थानांतरण किया है, प्रदेश की जेलों को स्मार्ट बनाया है, जेलों में मेटल डिटेक्टर लगवाया, CCTV आधुनिक मशीनों से युक्त कारागारों की किचन बनाई है, जेलों में मनोरंजन के लिए हर बैरक में TV लगवाए हैं, जेल के अंदर ओवर क्राउडेड को कम करने के लिए व्यवस्था की जा रही है, जल्द कोरोना संकट दूर होने पर कैदियों की उनके परिजनों से मुलाकात की व्यवस्था की जाएगी, कैदियों को हुनरमंद बनाने का कार्य किया जा रहा है, कैदियों को बाल काटने का प्रशिक्षण, धूप बत्ती की राख से मूर्ति बनाने का काम सिखाया और कराया जा रहा है। प्रदेश की कई जेलों में कैदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब हम सरकार में आए थे तब से अगर आप तुलना करेंगे तो देखेंगे कि पहले जेलों में जो अपराध की एक शरण स्थली थी, बड़े बड़े नामी ग्रामी जितने अपराधी थे वो जेलों से अपने नेटवर्क को चलाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जेलों में काम हुआ कि जितने अपराधी थे उनको हमने उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए उनका स्थानांतरण किया। अगर पश्चिम का अपराधी हमने पूरब भेज दिया, पूरब का है पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उनको चारों तरफ भेज करके उनके नेटवर्क को तोड़ा। चूँकि अपराधियों का एक कार्य क्षेत्र होता है कि उनका यहाँ पे पूर्वांचल वाले का पूर्वांचल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, उस नेटवर्क को तोड़ा। इसके बाद जेल में हम लोगों ने स्कैनर लगाए हैं, डीप मेटल डिटेक्टर लगाए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों को हमने अपनी हेड ऑफिस से जोड़ा है, वीडियो वॉल बनाई है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया था, मैं भी था, और उससे हम सारी लगभग प्रदेश की जेलों को उससे कनेक्ट कर दिया है। हम बैठ करके मुख्यालय से देख सकते हैं कि किस जेल में क्या हो रहा है। इसके अलावा CCTV कैमरे भी पूरी जेलों में लगे हैं, हमने आधुनिक किचनें बनाई हैं, सेमी मॉडुलर किचन बनाई हैं, बहुत सारी हमारे प्रदेश की जेलें हैं जिनमें हमने रोटी पकाने वाली मशीनें करी, आटा गूंदने की मशीनें लगाई। हम लोगों ने एक बड़ा काम किया, क्योंकि जब बंदी जेल के अंदर रहता है तो उसको भी दिक्कत होती है, उनके लिए मनोरंजन के लिए हम लोगों ने TV लगा दिया, हर बैरिक में हम लोगों ने एक TV का लगवाई है, ताकि उनको जो चीज़ें हैं उनको जानकारी हो, समाचार हैं वगैरह हैं, धार्मिक कार्यक्रम हैं, वो होते रहते हैं। और इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था में कोशिश की जा रही है कि जेल नियमावली के तहत चले और जेल का जो मैनुअल है उसके अनुसार चले। इसके बावजूद भी प्रदेश के अंदर जब भी कभी किसी जेल में कोई घटना हुई है, कोई चीज़ किसी ने कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास किया है, तो आपने देखा होगा कि उसकी जांच करने के बाद जो भी व्यक्ति दोषी मिला है उनको जिस लायक उनकी सज़ा हुई है, अगर बर्खास्तगी के लायक है तो हमारी सरकार ने बर्खास्त भी किया है, अगर उन्हें जो भी विभागीय कार्रवाई है विभागीय कार्रवाई किया है, किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं की गई, सब पर कार्रवाई की गई।